नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, यूपी असेंबली 2022 का एक नई अपडेट लेकर आ चुके। दोस्तों, यहां पर दावे पर सियासत की नई पीढ़ी की खास योगी, अखिलेश, प्रियंका और जेत के रणनीतिक कौशल की होगी परीक्षा। दोस्तों, यहां पर विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दल की नहीं बल्कि देश और प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले इन सियासत पीढ़ी की खास भी दावे पर होगी। चारों चेहरे अपने अपने दल के सेनापति बनकर मैदान में उतरेंगे। पर दोस्तों, इस अपडेट को पूरा जानेंगे, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसे हम आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी या फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी आप सभी को। जानते हैं आगे की अपडेट। उत्तर प्रदेश 2022 होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस का युवा चेहरा प्रियंका वाड्रा और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जीतन चौधरी रणनीति कौशल की परीक्षा होगी। इस विधानसभा चुनाव में ये चारों चेहरे अपने अपने दल के सेनापति बनकर मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश व प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाला इन सियासी पीढ़ी की खास भी दावे पर होगी। ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा तहत जयंत चौधरी राजनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा लेने जा रहे हैं। ऊर्जा और जुनून से चमकते लगभग हम उम्र ये नौजवान नेता इस बार अपने अपने दल के सेनापति के रूप में मैदान में होंगे। योगी आदित्यनाथ के सामने बुलंद भगवान जड़ा थाम रखने के साथ ही प्रतिद्वंद्वियों के सामने पार्टी का अस्तित्व बचाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगातार चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर रही भाजपा आत्मविश्वास से लैस है, जबकि सपा, बीसपा और कांग्रेस जातिगत गतिविधियां पिटाने लगे हैं। गठबंधन की खुली घोषणा अभी किसी ने नहीं की है, लेकिन छोटे छोटे दलों के जोड़ने की जुगत के बीच एक दो बड़े दल फिर साथ आ जाएंगे तो उसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में हर दल का अपना संगठन है जिसे मजबूत करने के वह जुटे दिल हैं। दिलचस्प यह है कि प्रमुख दलों में सिर्फ बीसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों में जबरदार नई पार्टी का नेतृत्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा चेहरा उम्र 49 वर्ष बता सादाधारी दल से ही शुरू करते हैं तो 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर के 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 4.5 वर्ष तक योगी ने अपने अंदाज में काम किया। 1.5 वर्ष की कोरोना आपद बावजूद कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की। यह वजह है कि भाजपा उन चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 403 में से 312 सीट जीत, अब तक जीत को दोहराने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आ चुकी है। पर दोस्तों, कौन सी पार्टी जीतेगी उसके बारे में बात अभी कहना मुश्किल है। पर दोस्तों, आप कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देर का उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो। आगे की अपडेट और जानेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले।